वोटिंग परसेंट या दोपहर 3 बजे तक का आज चौथे चरण का वोटिंग परसेंट क्या है उस पर एक नजर डाल लेते हैं सभी राज्यों का कि आखिर क्या वोटिंग परसेंट 3 बजे तक का दर्ज किया गया है। चलिए सबसे पहले आंध्र प्रदेश से शुरुआत करें और बिहार की बात कर लें तो 45.23% वोटिंग दर्ज की है बिहार में। जम्मू कश्मीर में यही प्रतिशत 29.93% दर्ज किया गया है जम्मू कश्मीर का वोटिंग परसेंट। झारखंड जहां पर 56.42% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक दर्ज की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में आंकड़ा 59.63% का रहा है आज चौथे चरण में तो महाराष्ट्र में ये वोटिंग परसेंट कम है 42.35% दर्ज किया गया दोपहर 3 बजे तक। उड़ीसा का वोटिंग परसेंट है 52.91% तो तेलंगाना में 52.34% यहाँ पर दर्ज किया गया है। ये कुल दोपहर 3 बजे तक का ये आंकड़ा है 52.62% का मतदान यानी ओवरऑल इन 10 राज्यों में जो वोटिंग हुई है 96 सीटों पर। लेकिन राज्यवार इन आंकड़ों पर नजर डालें तो आंध्र प्रदेश 55.49%, इससे पहले पश्चिम बंगाल कभी हमने वोटिंग परसेंट आपको बताया 66% के करीब पश्चिम बंगाल में वोट डाले जा चुके हैं। तो दोपहर 3 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है 52.60% मतदान ओवरऑल इन 10 राज्यों में 96 सीटों पर हुआ है। लेकिन राज्यवार आंध्र प्रदेश में 55.49%, बिहार में 45.23% वोटिंग हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में बहुत कम आंकड़ा है 29.93% का, तो वहीं झारखंड में 56.42% मतदान 3 बजे तक का दर्ज किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में आंकड़ा 59.63% है तो महाराष्ट्र में आंकड़ा है 42.35% का वोटिंग परसेंट बढ़े ये उम्मीद की जा रही। उड़ीसा में 52.91% है, तेलंगाना में 52.34% है, लगभग एक समान ही वोटिंग परसेंट नजर आ रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 48.41% का है तो पश्चिम बंगाल में 66.05% वोटिंग दर्ज की जा चुकी है दोपहर 3 बजे तक। यानी ओवरऑल मतदान की बात करें तो 52.60% मतदान यहाँ पर दर्ज किया जा चुका है। तो ये वोटिंग परसेंट है 3 बजे तक। और चलिए इसके साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।